हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में एनसीपी होम बिल्डर्स में। और आज मैं आपके लिए, हम अपनी पुरानी लोकेशन पे ही आए हैं। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे हम 8 घर बना रहे हैं 100 गज में। डायमेंशन जो रहेगी वो 20x45 की रहेगी। लोकेशन जो रहेगी वो अपना कुराली हाईवे पे माइंडट्री स्कूल रोड पे, तो आप देख सकते हैं। और सोसाइटी का जो नाम है मॉडर्न एन्क्लेव के नाम से है। प्लॉटिंग का जो हमारा फेसिंग है वो हमारा वेस्ट फेसिंग है। दूसरा ये है कि एक इन्वेस्टमेंट तौर पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप रेंट अच्छा ले सकते हैं, अगर खुद रहना है तो ग्राउंड फ्लोर रेंट पे देके आप टॉप फ्लोर में खुद रह सकते हैं। ज़्यादा लेट ना करके, ज़्यादा टाइम ना लेके मैं अपनी वीडियो अभी स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम चलते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन की। हमारा हमेशा इसी चीज़ पर फोकस रहा है कि हम आपको जैसे हमारे घर बन रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे घर बनते हैं, उसी हिसाब से हम आपको कंस्ट्रक्शन दिखाते रहे। वीडियो हमेशा डलती रहेगी, एवरी वीक डलती है, वीक में 2 बार इस जगह की वीडियो डलती है। तो ये हमारा पोर्च एरिया आ जाता है, जो साइज है 10x16 का है पोर्च एरिया। आप इजिली यहाँ पे अपनी एक छोटी कार, इजिली बड़ी कार है तो आप बाहर पार्क कर सकते हैं। जैसे गेट में एंट्री करते हैं तो मेरे आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक वाटर टैंक मिलेगा। दूसरा आप 2-व्हीलर भी यहाँ पे आप खड़ा कर सकते हो। और इसमें हमने कॉर्नर विंडो दी है। कॉर्नर विंडो का ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, घर में लाइट्स का इजी टू अप्रोच हो जाती है, घर में थोड़ी रोशनी बनी रहती है। मेरे आप लेफ्ट में देख सकते हैं ये हमने डिजाइन डाले हैं, अभी नहीं है। इसमें हमने नॉर्मल ब्रिक्स लगा दिए हैं ताकि भार ना पड़े। थोड़े टाइम बाद हम इसको निकाल देंगे और आपको दिखाएंगे कि लाइट्स का हम काम किस हिसाब से करते हैं। आपके घर की जो पूरी अर्थिंग होगी वो हम इस जगह पे देंगे, यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। इसमें हमारे पास 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK मिलेंगे प्रॉपर वर्क के साथ, फिलर के साथ। साइड में आप स्क्रीन देख सकते हैं, जब हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी तो इसमें हमने किस हिसाब से पिलर वर्क किया हुआ है। अब बन चुके हैं तो थोड़ा कम दिखाने को होगा, बट ये कि हम पुरानी वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। दूसरा ये, जैसे हम एंटर करते हैं, ये प्री प्रिंटेड गैलेनाइट शीट है, तो इसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आज के टाइम में एक कस्टमर को ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। दूसरा ये है, आप इसको अपने डोर के हिसाब से पेंट करा के सेम मैचिंग में करवा सकते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं हॉल आता है, हॉल का जो साइज रहेगा वो 10x18 का है, बहुत बड़ा हॉल है दोस्तों। दूसरा, हमने पूरे घर में टाई बीम दिया हुआ है। मोस्टली क्या होता है, बिल्डर सिर्फ जहां विंडोज होती है वहां टाई बीम डाल देते हैं, यहां डोर होगा तो यहां टाई बीम डाल देंगे। हमने पूरे घर में टाई बीम घुमाया हुआ है। टाई बीम का जो साइज है वो 9x12 इंच ही है, देखिए साइज में बहुत थिक है। ये हमारा किचन आ जाता है। किचन का जो साइज रहेगा, किचन का हमारा साइज है 7x8 का। ये आपका किचन रहेगा। ये हमने विंडो दी हुई है 4x4 की। ऊपर हमने वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये हमारा फ्रिज का स्पेस रहेगा। साइड में हमने स्क्रीन में एक और कोठी की स्क्रीन चलाई हुई है, उसमें सेम ऐसा घर बना के देंगे। अब हमसे परचेज करके आप अपने हिसाब से भी इंटीरियर डिजाइन करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया जाएगा जिस हिसाब से आप करोगे। सनमाइका आपका वॉलपेपर हो गया, आपकी अपनी चॉइस के। इवन इस जिस स्टेज पे अभी कोठी है उस हिसाब से तो हम आपको टाइल्स की भी चॉइस दे देंगे। बेसिकली हम ऑन डिमांड हाउसेज ज्यादा बनाते हैं दोस्तों, रेडी टू मूव हाउसेज हम पे बसते नहीं है। याद आते हैं बेडरूम में, बेडरूम दोनों बेडरूम्स का साइज जो रहेगा वो 10x13 का है। पिलर्स जो हमने यूज किए हैं इस घर में, हमने 8 पिलर्स यूज किए हैं। आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं, ऑन डिमांड हाउसेज हम बनाते हैं। दूसरा ये है, अंबुजा का सीमेंट 1 नंबर ईंट हम यूज करते हैं, डेली तराई होती है घर की। ये यहाँ पे एंट्री करते ही इस बेडरूम में आपका वॉशरूम है। वॉशरूम का जो साइज रहेगा दोस्तों 5x6 का है। और ये मेरे आप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये आपका वॉशिंग एरिया है। इसमें से हमने एक को मास्टर बेडरूम बनाया है, जो मेरे और जो उस साइड वाला रूम है वो हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आप इजी अपना वॉशिंग मशीन वगैरह, कपड़े वगैरह सारा कुछ यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। बैक साइड में हमने स्पेस नहीं छोड़ा है। वेंटिलेशन आपको जो आएगी घर की ऊपर से आएगी रूफ से, क्योंकि बैक साइड में कई बार क्या होता है, दूसरा बिल्डर होता है वो उसको क्लोज कर देता है, तो फायदा नहीं होता आपको पीछे वाला स्पेस छोड़ने के लिए। अभी मैं आपको 7 वाले घर में हम ऊपर सेकंड फ्लोर में हम क्या देंगे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर हम प्रॉपर 1 BHK बनाते हैं। पर्पज यही होता है, ग्राउंड फ्लोर में अगर ओनर रहता रहे तो ऊपर वाला फ्लैट आप, ऊपर वाला घर आप रेंट पे चढ़ा सकते हो। आप इसको 2.5 स्टोरे तक लेके जा सकते हो।
तो आगे मैं आपको बेसिकली मैं बता दूं, अगर आप वीडियो जम्मू से देख रहे हैं, हिमाचल से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, तो ये लोकेशन एक बहुत अच्छी लोकेशन है। ये यहाँ पे नियर बाय जो लोकेशंस है बहुत ही कमर्शलाइज है। आप नेशनल हाईवे की जो लोकेशन देखोगे तो आपको भी फील आएगी कि हम एक बहुत ही अच्छी सिटी में रह रहे हैं। नियर बाय इन्वेस्टमेंट मैं करने का पर्पज मैं आपको बता दूं, रेंटल इनकम सबसे बहुत अच्छी रेंटल इनकम है। मैंने यहाँ से बहुत सी सिटीज देखी हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर देते हो और आपको रिकवरी जो आती है वो बहुत कम आती है। तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है 1 BHK से स्टार्ट हो जाती है। 1 BHK फ्लैट है हमारे पास 17,90,000 से। दूसरा ये कि 2 BHK हाउस है, 3 BHK हाउस है, 4 BHK हाउस है, 5 BHK भी है और 7 BHK हाउस भी है। तो आप आ सकते हैं, ऑन डिमांड हाउसेज भी बना सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज हैं उनको आप फाइनल करके, जो अंदर का काम है, इंटीरियर का काम है, इंटीरियर के लिए मैंने पहले भी स्क्रीन आपको साइड में चलाई थी, हम बिल्कुल वैसा काम करके देंगे। आपके हिसाब से आपका वॉलपेपर, आपके हिसाब से आपका वुडन वर्क, आप ही के हिसाब से आपका टाइल वर्क होगा, जिस हिसाब से आप कहेंगे उस हिसाब से काम हो जाएगा। एक आपका और हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाएगा, किस क्या हिसाब से चाहिए हम क्या आपको, चीज क्या यूज कर पूछना सकते हैं उस हिसाब से हम है एक आपके, जो अपनी टर्म एंड वन कंडीशंस बीएचके रख लेंगे। पूछा था बेसिकली जो हमारा प्राइस है कंस्ट्रक्शन का 1,800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है, और उसमें डेली अपडेट डालते हैं। आप और भी वीडियो देख रहे होंगे इसी टाइम पे, आप सेम और अदर चैनल्स पे भी वीडियो देख रहे होंगे। आप ये देखिए जिस स्टेज पे घर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या आपको इस हिसाब से कोई घर दिखाता है कि नहीं? देखो हमेशा रेडी टू मूव हाउस में मैं आपको बोलूंगा, मैंने अपने घर में इतने पिलर लगाए हैं, आपको 100% यकीन तब भी नहीं होगा कि हाँ सच में इन्होंने लगाए कि नहीं लगाए। लेकिन हम अपनी वीडियोस ओपन बनाते हैं, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमारी 4 से 5 साइटें लगी हुई हैं। जो टोटल हमारे घर है अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, नियर अबाउट 17 घर हम अभी के टाइम में हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले हम ऑलरेडी 16 घर बेच चुके हैं। तो आप आइए विजिट करिए। जो फ्लैट्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम 54 यूनिट्स फ्लैट्स की बेच चुके हैं, जो और इसके बाद 1 BHK एनसीपी होम 2 के नाम से 48 यूनिट्स और हमारी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ज्यादा समय ना लेके मैं आपको फिर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ, तो किस हिसाब से हम अपना फर्स्ट फ्लोर कवर करते हैं, तो चलिए चलते हैं। आपको ऊपर हम क्या बनाते हैं 1 BHK में, मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। ऊपर जैसे ही आप स्टेयर से एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपका वॉकिंग एरिया, बैक साइड में आप में जो हमारे कैमरामैन हैं उनके पीछे ये आपकी बालकनी आ जाती है। सील के हम बालकनी करके देंगे, ये भी हम ऊपर भी कॉर्नर विंडो करके दे रहे हैं। ये मैं आपको विंडो दिखा दूँ, ये हमारी कॉर्नर विंडो है, जैसी हमारी नीचे है वैसे ही हमने ऊपर करा के दी है। दूसरा ये है कि ऊपर हम कैसा तैयार कर रहे हैं वो भी मैं आपको साइड में जो स्क्रीन चली है वैसा हम बना के देंगे। सेम नीचे की तरह एंटर करते ही आपके मेरे राइट में आप देख रहे हैं ये हमारा किचन है, सेम डायमेंशन का। फिर ये एक छोटा सा हॉल, आपको इसको एक छोटा सा एरिया है ये वॉकिंग के लिए। फिर आपके बिल्कुल फ्रंट में आपका वॉशरूम है, वॉशरूम मैं आपको दिखा दूँ। वॉशरूम का जो साइज रहेगा वो है हमारा 5x6 का, सेम तरीके से वर्क होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी चीज़ का मटेरियल के अंदर। फिर ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है, बेडरूम का जो साइज रहेगा वो हमारा 12x12 का, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसमें हमने कपबोर्ड का भी स्पेस दिया है, मेरे राइट में यहाँ पे कपबोर्ड वगैरह के लिए स्पेस है। रूम का साइज बहुत बड़ा रहेगा। और एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं, आप ये चीजें अगर आप इसी टाइम पे घर देख रहे हैं तो ये चीजें आपको और भी फेस कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है 3 BHK हाउस, कस्टमर ऐसा सोचता है कि बिल्डर ऐसा कर रहा है 3 BHK हाउस लिख के सिर्फ 3 रूम, और ये सही भी है वैसे अगर बोला जाए तो, बट हम जो दे रहे हैं नीचे प्रॉपर 2 BHK और ऊपर प्रॉपर 1 BHK दे रहे हैं। लाइक आपको 3 रूम मिलेंगे, 2 आपके हॉल होंगे, 2 आपके किचन होंगे, फिर आपके 3 वॉशरूम होंगे। तो इस हिसाब से हम प्रॉपर आपको, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक रेंटल इनकम के लिए बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो इजी टू आपकी जो आपकी EMIs है उसमें एक हेल्प होती है, ऊपर वाला रेंट पे आप दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको और दिखा दूँ, ये पीछे वाला एरिया आपका सिटिंग एरिया रहेगा, ये ओपन एरिया है, इसको आप खुद भी यूज कर सकते हैं और आपके जो टेनेंट्स हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको और बता दूँ, बैंक फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से मिलेगी, जो लोन का प्रोसेस होगा आपको हमारी तरफ से मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपका कितना लोन होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट हमारे बैंकर का नंबर है,
आप वो विजिट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, वही हमारे सारे लोन्स वगैरह हैंडल करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस की वीडियो। फिर से मैं अब आपको बता देता हूँ, ये 8 घर हमारे 100 गज में थे। डायमेंशन जो है 20x45 की है। हमेशा मैं आपके लिए वीडियो दो दो दिन बाद मैं आपको इस लोकेशन की वीडियो शो करता रहूँगा। और बैंक फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर हिमाचल और अपना जम्मू या दिल्ली से कहीं से भी हो, मूव होने के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस है। अच्छा डेवलप हुआ है वह एरिया। सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, आपको सीवरेज का और आपके जो लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, आप लोन ले सकते हैं। 80% तक आप, 80-90% तक आप हमारे घरों पे लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बैंकर का भी नंबर डाल दे सकता हूँ, आप डायरेक्ट उनको कॉल करिए और अपने जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो आप चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आप एक स्टेप ले सकते हैं कि मुझे किस बजट तक का मैं घर ले सकता हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमेशा जुड़े रहिए हमसे। डेली अपडेट हम डालते रहते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारे और प्रोजेक्ट की भी डिटेल्स डली हुई हैं। और प्राइस मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अभी का जो टाइम है, मैं आपको दिसंबर 2021 में मैं ये शूट कर रहा हूँ। जो आज का जो प्राइस है हमारा 2BHK हाउस 100 गज का 42 लाख का है, 3BHK हाउस 48-90 लाख का है, 4BHK हाउस 54-90 लाख का है। इंटीरियर आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं हमारे घरों पे। हम घर कैसा बनाते हैं वो भी आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की 100% गारंटी है। प्राइस बेसिक से मार्केट में हल्का सा अप एंड डाउन हो, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप हमें एक मौका दीजिए हमसे जुड़ने का। आप आइए, सिर्फ मैं ये नहीं कहता प्रॉपर्टी हमसे लीजिए, आप आके हमारी कंस्ट्रक्शन देखिए, ऑन द स्पॉट देखिए। एक नहीं, हमारी चार पांच साइटें चली हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं। सो ज़्यादा समय ना लेके वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।